आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। मैंने गैस ऑन कर दिया, इस पे कढ़ाई रख दिया। इसके अंदर डालूंगी मैं देसी घी। ये घी हमारा गरम हो चुका। अब इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। साथ में मैंने एक पतीले में पानी लिया है, ये भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ये हमारा आटा भुन चुका है। गेहूं का आटा तब तक भुने जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। अगर आटा कच्चा रह गया तो हलवे में कोई टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए गेहूं के आटे को अच्छी तरह से पकाएं और घी भी इतना ही डालें जो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा घी होगा तो भी हलवा अच्छा नहीं लगेगा। साथ में मेरा पानी भी बॉईल हो गया। अब इसमें मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी और साथ साथ इसको चलाती रहूंगी। अब इसमें गर्म पानी डालेंगे, धीरे धीरे से डालते जाएंगे, इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी जितना आटा लेंगे उतनी ही चीनी डालनी। एक कटोरी हमने आटा लिया था, एक कटोरी ही चीनी डालेंगे। अब इसको धीरे धीरे से चलाते रहेंगे जब तक चीनी इसमें मिक्स ना हो अच्छे से। आटा हमारा कढ़ाई की चिपकेगा तो ये समझ लो आटा कच्चा रह गया। हलवा कभी भी कढ़ाई के नहीं चिपकना चाहिए। ये देखो गाइस, हमारे हलवा घी छोड़ने लग गया साइडों में, किनारे किनारे पे। देखो, इसका मतलब हलवा अच्छी तरह से बन चुका। अब इसमें एक इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े काजू, ये हम डालेंगे।
काली मिर्च पाउडर इसलिए डाल रही हूँ ताकि हलवा खाएंगे तो ऐसे मतलब एक हटके टेस्ट आएगा। थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ और थोड़े मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। ये हमारा बनके हलवा बनके रेडी हो चुका। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।